नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाने वाले कंटेंट पर बड़ी टिप्पणी दे दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, ओटीटी पे दिखाए जाने वाली चीजों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पे केंद्र का रेगुलेशन देखेगा। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट वेब सीरीज तांडव पे छिड़े विवाद में अमेज़न प्राइम वीडियो की हेड अपर्णा पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अमेज़न प्राइम की वीडियो हेड ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने पर चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो नई आईटी रूल्स 2021 को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। आगे की सुनवाई शुक्रवार को होगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी से जुड़े रेगुलेशंस को कोर्ट में पेश करने को भी कहा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म रिलीज किए जाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 मिनट ही सुनवाई हो पाई। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाए जाने वाली चीजों की स्क्रीनिंग होनी बिल्कुल जरूरी है। उनके कहने का मतलब ये था कि जिस तरह फिल्मों को सेंसर बोर्ड पास करती है, उस तरीके से ओटीटी प्रोग्राम्स को भी देखने के बाद आम जनता को दिखाने के लिए स्वीकृति मिलनी चाहिए। अपर्णा पुरोहित की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन हाल ही में आए हैं और अपर्णा पुरोहित महज अमेज़न की एक कर्मचारी है जिन्होंने इस सीरियल बनाया, मामला उनके खिलाफ बनता है। हमारे खिलाफ 10 मामले दर्ज किए गए हैं। इस पर जस्टिस भूषण ने आगे कहा कि आजकल जो चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रही हैं, उसमें कभी कभी पोर्नोग्राफी को भी बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि जस्टिस भूषण की टिप्पणी वेब सीरीज तांडव को लेकर नहीं बल्कि सभी को लेकर थी। अपर्णा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेशन आ गए हैं, लेकिन अभी नियम नहीं बनाए गए हैं। हमें रेगुलेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तांडव उससे पहले बनी है। वक्त कम होने की वजह से सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, खासतौर पे उस समय में जब केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर तमाम गाइडलाइंस की बात कर चुकी है और आने वाले समय में इन गाइडलाइंस को जारी भी कर दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।